हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं तक आया हूँ कंप्यूटर एमसीक्यू। जो भी क्वेश्चन कराऊंगा आपके लिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कराऊंगा, सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और सब आपका लूसेंट से लिया हूँ और सभी आपके लिए अति महत्वपूर्ण। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपका आज का पहला क्वेश्चन, पीयर से पीयर लाइन एक उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर खाली स्थान के लिए तापक इंटरनेट होम नेटवर्क नेटवर्क शेयर्ड रिसोर्स के साथ एक सर्वर की आवश्यकता होती है। वाइड एरिया नेटवर्क इनमें से कोई नहीं, तो आपका होम नेटवर्क आ जाएगा आपका आंसर। इंट्रानेट नेटवर्क में हब की तरह ही एक खाली स्थान वायरलेस नेटवर्क नोड्स के बीच रिले डाटा में मदद करता है। वायरलेस पोर्ट, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, वायरलेस एडाप्टर, वायरलेस ट्रांसवियर, इनमें से कोई नहीं, तो आपका दूसरा सही हो जाएगा आपका वायरलेस एक्सेस पॉइंट। सेल्फ और इंटरनेट एक्सेस करने के लिए खाली स्थान प्रयोग करते हैं, तो आपका एमएस प्रौद्योगिकी नोटेशन सिस्टम, माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर, एचटीएमएल भाषा, इनमें से कोई नहीं, तो आपका माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर इसका प्रयोग करते हैं। ASCII एक खाली स्थान है, तो आपका डेसिमल के साथ संख्या को प्रस्तुत करने के लिए नंबरिंग सिस्टम। पुराने मेन फ्रेम कंप्यूटर में अक्षर प्रस्तुत करने सामान्य मानक है। एनकोडिंग मानक के अक्षर को अर्वाण प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपका प्रतीकात्मक प्रोग्रामिंग भाषा जो सीधे मशीन निर्देशों प्रस्तुत करती है, इनमें से कोई नहीं, आपका तीसरा सही हो जाएगा, जो कि एनकोडिंग मानक के अक्षर और वर्णों को प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी कंप्यूटर और नेटवर्क के हजारों के साथ बना एक वैश्विक नेटवर्क कहलाता है। आपका वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट, स्पेशलाइज्ड सर्च इंजन, इंटरनेट टू, इनमें से कोई नहीं, तो आपका इंटरनेट कहलाएगा। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मूलभूत कार्य नहीं, था आपका मेमोरी मैनेज करना, वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, उपयोगकर्ता को इंटरफेस प्रदान करना, इनमें से कोई नहीं, तो आपका वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना है। CSMA/CD में कंप्यूटर डाटा की एक निश्चित इकाई भेजने को क्या कहा जाता है, आपका नोट, पैकेट, ओवर राइट, टोकन, इनमें से कोई नहीं, तो आपका पैकेट कहता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL जिसका फुल हम होता है, तो खाली स्थान में संवेदनशील होता है, तो प्रोटोकॉल अथॉरिटी डायरेक्टरी टाइप, इनमें से कोई नहीं, तो आपका डायरेक्टरी कहलाता है। निम्न में कौन गुप्त कोड को लागू करने से मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदलता है, तो आपका एनक्रिप्शन, ऑडिट, UPS, फायरवॉल, इनमें से कोई नहीं, तो आपका इनक्रिप्शन कहलाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट खाली स्थान के विकास के साथ शुरू हुआ है, तो आपका यूजनेट, अर्पनेट, इथरनेट, इंटरनेट, इनमें से कोई नहीं, तो आपका दूसरा सही हो जाएगा, अर्पनेट के विकास के साथ शुरू हुआ है। वेबसाइट खाली स्थान का एक संग्रह है, तो आपका एस्टीमेट डॉक्यूमेंट, ग्राफिक फाइल, ऑडियो और वीडियो फाइल, उपरोक्त में से सभी, इनमें से कोई नहीं, तो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। वेबसाइट, एस्टीमेट डॉक्यूमेंट, ग्राफिक फाइल, ऑडियो वीडियो फाइल, उपरोक्त सभी एक संग्रह है। पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को किसने बनाया था, आपका वान न्यूमैन, जोसेफ एम जैकवार्ड, जे प्रेस्परेकर्ट, एक व दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आपका वान न्यूमैन ने ENIAC कंप्यूटर को, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो उन्होंने बनाया है। निम्न में कौन सा नेटवर्क नहीं है, तो यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर, सभी नेटवर्क है, इनमें से कोई नहीं, तो आपका ऑप्टिकल फाइबर जो कि एक नेटवर्क नहीं है, बाकी लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क का उसमें एक नेटवर्क है। MICR में सी का मतलब है आपका कोड, कलर, कंप्यूटर, कैरेक्टर, इनमें से कोई नहीं, तो सी का मतलब होता है कैरेक्टर। निम्न में कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई, आपका GB, KB, MB, TB, तो इसमें TB स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। वर्चुअल मेमोरी है, हार्ड डिस्क पर
मेमोरी जिसे सीपीयू विस्तारित रैम की तरह प्रयोग करता है। रैम केवल आवश्यक अगर आपका कंप्यूटर में रैम नहीं है। फ्लॉपी डिस्क के लिए बैकअप डिवाइस है, इनमें से कोई नहीं तो आपका वर्चुअल मेमोरी। हार्ड डिस्क पर मेमोरी जिसे सीपीयू विस्तारित रैम की तरह प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया है। कंपाइलिंग, टेस्टिंग, रनिंग, डबिंग, इनमें से कोई नहीं तो आपका टेस्टिंग में सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों खोजने की प्रक्रिया है, जिसे टेस्टिंग कहलाता है। डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्ववत करने के लिए शॉर्टकट क्या है तो आपका कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड, कंट्रोल यू, और इनमें से कोई नहीं तो आपका कंट्रोल जेड इसका पूर्ववत करने का शॉर्टकट है। प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है, खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, रोमवेयर, इनमें से कोई नहीं तो फर्मवेयर के रूप में जाना जाता है। एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप फाइल मेनू पर खाली स्थान कमांड प्रयोग करते हैं तो आपको ओपन, क्लोज, न्यू, सेव, इनमें से कोई नहीं तो न्यू का उपयोग हम करते हैं। कंप्यूटर खाली स्थान नंबर सिस्टम को उपयोग डाटा स्टोर और गणना के लिए करता है तो बाइनरी, ऑप्टिकल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, इनमें से कोई नहीं तो बाइनरी का उपयोग हम नंबर सिस्टम का उपयोग डाटा स्टोर और गणना के लिए बाइनरी का उपयोग करते हैं। खाली स्थान कमांड संपादन करने की प्रक्रिया है, फेचिंग, स्टोरिंग, रिकॉर्डिंग, एक्सक्यूटिंग, इनमें से कोई नहीं तो एक्सक्यूटिंग कमांड संपादन प्रक्रिया है। वर्ड में जब आप एक पैराग्राफ इंडेट करते हैं तो आप मार्जिन के लिए टेक्स्ट को सही करना, पृष्ठ पर मार्जिन बदलना, एक पंक्ति से टेक्स्ट ऊपर करना, एक लाइन से टेक्स्ट नीचे स्थानांतरित, इनमें से कोई नहीं तो पैराग्राफ इंडेट करते हैं आप मार्जिन के लिए टेक्स्ट को सही करना है। ASCII का पूर्ण रूप है तो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पांचवा नंबर। निम्न में कौन सा ब्राउजर के द्वारा इंटरनेट रिसोर्सेज के लोकेशन पर कनेक्ट करने में प्रयोग किया जाता है? आपका लिंकर्स, प्रोटोकॉल, केबल, URL, इनमें से कोई नहीं तो URL का प्रयोग करते हैं। खाली स्थान डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग, एलर्टिंग, इनमें से कोई नहीं तो फॉर्मेटिंग कहलाता है। आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो आपका रैम, फ्लॉपी, सीपीयू, सीओ रोम, तो आपका रोम कहलाता है। वर्तमान में सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है प्रोग्राम और डाटा के भंडारण के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? था मास मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, पीरोम, इनमें से कोई नहीं तो इंटरनल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। एक मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना डॉक्यूमेंट कहलाता है। क्रिएटिंग, एडिटिंग, मॉडिफाइड, एडजस्टिंग, इनमें से कोई नहीं तो एडिटिंग कहलाता है। बैकअप क्या है? तो आपके नेटवर्क के लिए अधिक घटाने घटकों को जोड़ना, मूल स्रोत से डाटा को कॉपी करके सुरक्षा प्रदान करना, नए डाटा से पुराने डाटा को छांटना, टेप पर डाटा एक्सेस करना, इनमें से कोई नहीं तो बैकअप आपका मूल स्रोत से डाटा को कॉपी करके सुरक्षा प्रदान करना बैकअप कहलाता है। निम्न में से कौन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक लोकप्रिय प्रोग्राम है जो दोनों पीसी और मैकिंटोश कंप्यूटर पर पढ़ा जा सकता है? आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डिजाइन में एडोब, एडोब एक्रोटेब, क्वार्क एक्सप्रेस, इनमें से कोई नहीं तो एडोब एक्रोबैट कहलाता है, जो कि कंप्यूटर में पढ़ा जा सकता है। एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि खाली स्थान की मैट्रिक्स से बनी होती है, आपका बाइट, पिक्सल्स, बिट, पैलेट, इनमें से कोई नहीं तो पिक्सल्स कहते हैं, जो कि मैट्रिक्स से बनी होती है। DPI डॉट्स प्रति इंच
क्या मापता है आपका बिट्स की संख्या, कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व, डिस्क पर बिट्स का घनत्व, हार्ड डिस्क पर संग्रहित ग्राफिक फाइल का घनत्व, इनमें से कोई नहीं। तो डॉट्स प्रति इंच मापता है आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व। किस टाइप का सॉफ्टवेयर छोटी फाइल को बनाता है जो इंटरनेट पर तेज़ी से ट्रांसफ़र होती है, आपका MPEG, यूनिजिप्ट, फ्रेगमेंटेशन, कंप्रेशन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ट्रांसफ़र होती है कंप्रेशन से। कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन की एक इकाई जिसमें डाटा के सभी प्रक्रियाएं ऑपरेशन शामिल होते हैं खाली स्थान कहलाता है। मेथड, इनकैप्सुलेशन, ऑब्जेक्ट, OOP, इनमें से कोई तो ऑब्जेक्ट कहलाता है। दुनिया की पहली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग भाषा को कहा जाता है आपका सी, जावा, विजुअल बेसिक नेट, स्मॉलटॉक, इनमें से कोई नहीं तो जावा कहलाता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया टाइप है आपका फ्लैट डाटाबेस, नेटवर्क डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेस, पदानुक्रमित डाटाबेस, इनमें से कोई नहीं तो आपका रिलेशनल डाटाबेस कहलाता है। नए टाइप के डाटाबेस को क्या कहा जाता है जो अच्छी तरह से मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए अनुकूल है, तो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस, क्लाइंट सर्वर डाटाबेस, डाटा वेयरहाउस, मल्टीमीडिया डाटाबेस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस कहलाता है जो कि मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए अनुकूल होता है। डाटा फ्लो डायग्राम पर सर्किल क्या प्रदर्शित करते हैं, तो डाटा सोर्स और डेस्टिनेशन, फ्लो डाटा फ्लो, ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया, डाटा भंडार, इनमें से कोई नहीं। तो आपका डाटा फ्लो डायग्राम पर सर्किल आपका ट्रांसफार्मर प्रक्रिया आपका कहलाता है। विंडोज के पुराने संस्करण में वार्म बूट की वजह से होता है, तो आपका अल्टरनेट प्लस टैब कुंजी टाइप से शट डाउन हो रहा है तब हाइबरनेट या स्टैंडबाय चयन करना, कंट्रोल अल्टरनेटिव डिलीट कुंजी संयोजन टाइप बिजली स्विच दबाने से, इनमें से कोई नहीं। तो कंट्रोल प्लस अल्टरनेटिव प्लस डिलीट कुंजी संयोजन टाइप से होता है वार्म बूट की वजह। अपने डॉक्यूमेंट में ट्रस्ट के लिए फोन की स्थापना का एक उदाहरण है फॉर्मेटिंग फार्मूला, ट्रैकिंग परिवर्तन टूल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका फॉर्मेटिंग कहलाता है जो कि अपने डॉक्यूमेंट में ट्रस्ट के लिए फोन की स्थापना का एक उदाहरण जो कि फॉर्मेटिंग कहलाता है। खाली स्थान फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयुक्त हार्ड ड्राइव पर फाइलों का फिजिकल लोकेशन की पहचान के लिए प्रणाली है RTOS, ZIP, FAT, POST, इनमें से कोई नहीं। तो आपका FAT कहलाता है जो कि लोकेशन की पहचान के लिए एक प्रणाली है। खाली स्थान सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता कंप्यूटर में टेक्स्ट में टाइप के बजाय बात करने के लिए अनुमति देता है। स्पीच रेगनिफिकेशन, चैट, मैसेज, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो स्पीच रेगनिकेशन कहलाता है। एक सर्वर खाली स्थान एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है आपका बैक एंड, फ्रंट एंड, प्रोग्रामिंग, जाओ, इनमें से कोई नहीं। तो बैक एंड कहलाता है। विंडोज XP में एक्सपी के क्या मतलब पूछा गया यहाँ पे, तो एक्सपोटेंशियल एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, एक्सचेंज, इनमें से कोई नहीं। तो एक्सपीरियंस है इसका मतलब। एक्सेल में घातीय संख्या को निरूपित करने के लिए कौन सा प्रतीक प्रयोग किया जाता है, तो आपका स्टार, ANNS, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। निम्न में कौन सा वायरस का स्रोत नहीं, तो आपका डिस्केट, इंटरनेट, ईमेल मैसेज, कंप्यूटर नेटवर्क, इनमें से कोई नहीं। तो आपका वायरस का स्रोत नहीं है ईमेल मैसेज।
कौन सा प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार है? पेज प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डास मैट्रिक्स प्रिंटर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग स्कैन टेक्स्ट को फॉर्मेट में अनुवाद करने के लिए किया जाना चाहिए? तो आपको OCR, CRT, RGB, MIDI, इनमें से कोई नहीं। तो OCR का अनुवाद करने के लिए किया जाता है। आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाई रिजोल्यूशन के कंप्यूटर मॉनिटर खाली स्थान रखते हैं? तो हाई DPI, कम DPI, 256 रंग रिजोल्यूशन DPI में नहीं मापा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो हाई DPI जो कि हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटर मॉनिटर वो रखते हैं। तो हमारा अगला वीडियो दूसरा पार्ट में आएगा। तो इसी तरह चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।